अपने देश के छोटी जगहों के सरकारी अस्पतालों का आईसीयू जहां खत्म होता है, वहां पर एम्स का ओपीडी शुरू होता है और साल में 40 लाख ओपीडी के अंदर मरीज आते हैं। मुश्किल से 2,500-3,000 लोगों को ही अंदर रखा जा सकता है। उसके अलावा जितने लोग हैं वो बाहर रहेंगे मरीजों समेत। राहुल, राहुल की पत्नी तुलिका ने बहुत रातें यहाँ बिताई हैं अपने बेटे के लिए। जब इनका बेटा अंदर एम्स से जिसका इलाज चल रहा था, रहना तो बहुत दूर की बात है, क्या कम से कम खाने की व्यवस्था हो पाती राहुल? खाने का जैसे हम लोग भी लेके आ रहे हैं और मदद सब करना चाह रहे हैं, पर खाना 5,000 के हिसाब से नहीं चाहिए होता। अगर आप यहाँ 24 घंटे का खाना काउंट करेंगे तो कम से कम आपको 10-15 हज़ार लोगों का खाना सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चाहिए। राहुल, उदय फाउंडेशन के जरिए 10-15 हज़ार तो नहीं, लेकिन दिन भर में मान के चलिए कितना राहुल? अभी तो हम बहुत कोशिश करके 1,000 तक चाह पा रहे हैं, मतलब उसमें भी कई बार मतलब हम लोग 1,000 लोगों को 11,000 रुपये में खाना खिला पाते हैं, जिसमें हमें एक आदमी की कीमत कुल खाना खिलाने का कुल 11 रुपये पड़ता है। जब सबसे बड़ा एहसास है लाइफ में वो भूख का है। कोई कैंसर से जूझ रहा है, किसी का बच्चा है। आज उदय फाउंडेशन की ओर से मैं और मेरे सारे दोस्त आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपनी आंखें बंद मत कीजिए। ये व्यवस्था, ये देश, ये सब कुछ हमारा है। इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं, इन डॉक्टरों की कोई गलती नहीं, इस अस्पताल की कोई गलती नहीं। उदय फाउंडेशन की इस कोशिश में, छोटी सी कोशिश है हमारी, उसमें आप अपना बड़ा हाथ, अपना बड़ा सहारा दीजिए। हमारी यही आपसे अपील है, यही उम्मीद है।